गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैं आपके अभ्यास सागर पुस्तक में पार्ट तीन का क्वेश्चन नंबर 12 पूरा करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको अनुच्छेद लेखन है। जिस क्वेश्चन नंबर में है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद लिखिए, तो मैं अनुच्छेद लिख रहा हूं और आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, तो आप लोग देखकर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लाल पत्थरों से बना हुआ लाल किला, लाल पत्थरों से बना हुआ लाल किला, लाल पत्थरों से बना हुआ लाल किला। इस किले को बनवाने में 9 वर्ष का समय 9 वर्ष का समय लगा और लाखों रुपए खर्च हुए, लाखों रुपए खर्च हुए। यहां बादशाह आम जनता के लिए आम जनता के लिए यहाँ बादशाह आम जनता के लिए दरबार लगाता था। उसके पीछे दरबार के खास है उसके पीछे दरबार एक खास है। यहाँ बादशाह मंत्रियों और मंत्रियों और विशेष लोगों के साथ बातचीत करते थे, लोगों के साथ बात करते थे। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे इस
इस महल की शोभा है, इस महल की शोभा है गत रविवार को हमने, मैंने पिछले गत रविवार को हमने सारा महल देखा। देखा इसे देखकर हम शाम को घर आए, इसे देखकर हम शाम को घर आए। चलिए हम इसको पढ़कर सुनाते हैं और आप लोग इसको देखकर लिखते रहिए। लाल पत्थरों से बना हुआ लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के बाईं ओर स्थित है। यह किला सन 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस किले को बनवाने में 9 वर्ष का समय लगा और लाखों रुपए खर्च हुए। किले की दीवार के साथ साथ चारों ओर खाई बनी हुई है। किले के बाजारों से होते हुए हम सामने दीवार ए आम में पहुंचते हैं। यहाँ बादशाह आम जनता के लिए दरबार लगाता था। उसके पीछे दरबार एक खास है। यहाँ बादशाह मंत्रियों और विशेष लोगों के साथ बातचीत करते थे। इसकी एक ओर रंग महल और दूसरी ओर स्नान घर है। घर के पास ही मस्जिद है। किले के पास से बहती नदी किले में चलते हुए फव्वारे, सुंदर फुलवारी और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे इस महल की शोभा है। गत रविवार को हमने सारा महल देखा। इसे देखकर हम शाम को घर आए। जितने बच्चे, गुड गुड, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बच्चे लिख लिए। ओके, अब इसमें से बहुत सारे बच्चे लिख लिए। कितने बच्चे बाकी हैं? अभी कुछ बच्चे बाकी हैं। हाँ, साइड प्लीज। एक बच्चे मुझे हटने के लिए बोल रहे हैं, कोई बच्चे, मैं हट जाता हूँ। चलिए आप लिखिए। ठीक है, जिनका हो जाए हाथ उठाते जाइए, मैं उसके बाद ये इरेज कर दूंगा और फिर दूसरा लिखूंगा। जैसे आपका हो जाए हैंड अप करिए। होने वाला, जिनका हो गया। इसमें बोल रहा है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो संज्ञा शब्द अनुच्छेद में आया है सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, सच्चाई, बच्चे, बच्चे, प्रसन्नता, अखबार, विद्यालय, कृपा, गुरुजी, ये संज्ञा शब्द होंगे।